हाय एवरीवन, मैं हरजीत अपने चैनल हरजीत की रसोई में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आटे के बिस्कुट बना रही हूँ। अगर आपके पास अवन या माइक्रोवेव नहीं है तब भी आप इन्हें बड़े आराम से घर पर बना सकते हैं, क्योंकि मैं इन्हें आज फ्राई करके बना रही हूँ। ये बहुत ही खस्ता बनते हैं, इन्हें आप इजीली घर पर बना सकते हैं। तो फिर देख लेते हैं इनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मैंने एक कप गेहूं का आटा लिया है, ये 100 ग्राम है। साथ में ये 100 ग्राम सूजी ली है, ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है, और ये मैंने 100 ग्राम शुगर लिया है। तीनों की क्वांटिटी हमने सेम रखनी है। और हाफ कप ये मैंने रूम टेम्परेचर का मिल्क लिया है। इनको मैं देसी घी में बना रही हूँ, इसलिए मैंने हाफ कप यानी 50 ग्राम देसी घी लिया है। जितना हमने आटा सूजी वगैरह लेना है उससे हाफ क्वांटिटी में देसी घी लेना है। और थोड़े से बादाम काट कर लिए हैं, साथ में आप चाहे तो काजू भी ले सकते हैं। ये मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है शुगर, और अब मैं इसमें मिल्क भी डाल रही हूँ। इसको हम स्पून से मिक्स कर लेंगे, पर ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमने शुगर को पूरी तरह से मेल्ट नहीं होने देना है। बिस्किट बनकर तैयार होगा तो देखने में भी शुगर के दाने अच्छे लगते हैं और खाने में भी ये बहुत टेस्ट बढ़ाते हैं। अब इस बॉल को एक साइड में रख देंगे। तो ये अब मैंने एक परात ले ली है, इसमें मैं डाल दूंगी आटा और सूजी। सूजी को मैंने छान कर लिया, आप भी सूजी को छान कर ही लें। और अब इसमें मैं डाल दूंगी देसी घी। इसको मिक्स कर लेंगे, जैसे कि हम पूड़ी के लिए आटा बनाते हैं और उसमें हम थोड़ा सा घी डालकर मोइन देते हैं, उसी तरह से हमने करना है। दोनों हाथों से रब करते जाएंगे, मलते जाएंगे। और ये देखिए, ऐसा इसलिए करना है जिससे कि ये जो हमने घी डाला है सूजी और आटे में पूरी तरह से चला जाए, मिक्स हो जाए। अभी अच्छी तरह से घी सारे आटे और सूजी में मिक्स हो गया है। हाथ में थोड़ा सा आटा लेंगे और उसे दबा कर देखेंगे। ये देखिए, आटा बाइंड होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि हमने आटे में घी जो सही मात्रा में मिलाया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी बादाम, जिसको मैंने बारीक काट कर रखा हुआ है। आप इसमें अपनी पसंद के कोई और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, जैसे काजू भी डाल सकते हो, पिस्ता डाल सकते हो। अब इसको हमने गूंदना है, तो इसमें हमने मिल्क डालना है। तो देख लेते हैं मिल्क, ये देखिए मिल्क जिसमें हमने शुगर डाल के रखी है, शुगर पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है, हमें इसी तरह से ही चाहिए है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाएंगे और स्पून की हेल्प से ये जो शुगर के दाने हैं उनको भी डालते जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। अभी इसमें और मिल्क जाएगा, तो ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि शुगर सारी इसमें चली जाए। ये सारे शुगर के दाने मैंने इसमें डाल दिए, हल्का सा ये मिल्क बच गया है। इस समय आप इसे चाहे तो हल्का सा चेक कर लें, शुगर इसमें चेक कर लें। अगर आपको शुगर कम लग रही है तो एक दो स्पून के करीब शुगर और डाल सकते हैं, पर मुझे इसमें शुगर बिल्कुल ठीक लगी है, मैं इसमें और नहीं डाल रही हूँ। अब इसका हमने मीडियम सा डो बनाना है, जैसा हम आटा गूंदते हैं रोटी वगैरह के लिए। ना बहुत टाइट गूंदना है, ना बहुत ही लूज गूंदना है, बिल्कुल मीडियम सा डो बनाना है। अब ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया, ये देखिए बिल्कुल अच्छा मीडियम सा डो तैयार हुआ है। तो इससे छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये जो बिस्कुट हम बना रहे हैं ये बहुत पतले नहीं बनते हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं आटे के बिस्कुट उनसे थोड़े मोटे होते हैं। तो ये मैंने गोल गोल पेड़े बना लिए हैं। अब आप चाहे तो इन्हें सर्कल शेप में भी बना सकते हैं या फिर इन्हें स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। अब बिस्किट में डिजाइन बनाना है, तो इसके लिए मैंने एक स्पैचुला ले ली है, इससे डिजाइन बनाएंगे। एक पेड़ा उठाकर इसके ऊपर रखेंगे और इसको दबाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें जो डिजाइन है वो इस पर आ गया है, कितना अच्छा डिजाइन आया है। अब और भी डिजाइन दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैंने एक फॉर्क ले लिया है। अब ये मैंने एक पेड़ा लिया है, इसको मैं रेक्टेंगल शेप में बना रही हूँ, मैं इसे गोल नहीं रख रही हूँ। अब फॉर्क इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए, इनको हमने ज़्यादा पतला नहीं करना है क्योंकि ये वाले बिस्किट ज़्यादा पतले नहीं बनते। तो ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन बनकर आया है। आप चाहे तो इन्हें सर्कल शेप में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने देखे पूड़ी तलने वाली स्पैचुला ली है, जिससे हम पूड़ी तलते हैं। इसके ऊपर हम एक पेड़ा रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सर्कल शेप में कितना अच्छा डिजाइन आ गया है इसके ऊपर। इनको ऐसे भी बनाया जा सकता है, जो डिजाइन आपको पसंद हो वो इनमें बना सकते हैं, या इनके अलावा भी आपको कोई और डिजाइन पसंद हो तो वो भी बना सकते हैं। ये मैंने सारे बिस्किट तैयार कर लिए हैं। मैंने ज़्यादातर बिस्किट पर
फॉक वाला डिजाइन बनाया, क्योंकि मार्केट में जो बिस्किट मिलते हैं उन पर ऐसा ही डिजाइन बना होता है। अब इनको हमने फ्राई करना है, तो गैस पर मैंने ऑयल रख दिया है, ऑयल गर्म भी हो गया है। तो इस समय गैस को मैंने बिल्कुल सिम कर दिया है, क्योंकि हमने इन्हें ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम गर्म ऑयल में ही फ्राई करना है। अगर ज़्यादा गर्म ऑयल में इन्हें फ्राई कर देंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे, अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। अब ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मीडियम मीडियम सा है, तो इस समय हम बिस्किट इनमें एक एक करके बड़े आराम से डालेंगे। बिस्किट डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है, तेज नहीं करना है। ये बिस्किट बहुत ही खस्ता बनते हैं, इनको बनाकर काफ़ी दिनों तक स्टोर भी किया जा सकता है। अगर आप सफ़र में जा रहे हैं कहीं तो इनको लेकर जाया जा सकता है, ये ख़राब भी नहीं होते जल्दी। इनको हमने आराम से फ्राई होने देना है, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जितनी देर ये बिस्किट फ्राई होंगे उतने ही ज़्यादा ये खस्ता बनेंगे। तो अब ये देखिए इनका कलर भी कितना अच्छा आ गया है, बस थोड़ा सा फ्राई और कर लेंगे इन्हें हम। अब ये देखिए बिल्कुल सही फ्राई हो गए, इनका कलर बिल्कुल सही आ गया है। तो इससे ज़्यादा हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे, तो अब इन्हें हम प्लेट पर निकाल लेंगे। ये सारे बिस्किट मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है, और बिस्किट के ऊपर ये जो शुगर के दाने दिख रहे हैं वो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, और जब इन बिस्किट को हम खाते हैं तो ये शुगर के दाने जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इन्हें घर पर बना कर रखें, इन्हें आप चाय के साथ नाश्ते में भी खा सकते हैं और सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता बनते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नई नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।